सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और आज हमें पढ़ना है क्रॉस पॉलिनेशन। आज का यही टॉपिक है क्रॉस पॉलिनेशन। इसके पहले जो है हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन जो है पढ़ चुके हैं, तो आज का टॉपिक क्रॉस पॉलिनेशन, जिसको एलोगैमी भी कहते हैं या जेलोगैमी भी कहते हैं। ध्यान रखिए, क्रॉस पॉलिनेशन ऑब्लिक एलोगैमी ऑब्लिक जेलोगैमी। ये होता क्या है क्रॉस पॉलिनेशन, मैं बता चुका हूं। पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर, पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर एंड स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर। देखिए, ध्यान दीजिए, डिफरेंट फ्लावर एंड डिफरेंट प्लांट बट सेम स्पेसीज। ये सेम स्पेसीज, देखिए ध्यान दीजिए, मैं कहना क्या चाहता हूं कि जो है ये बता चुका हूं, बस उसका जो है समरी मैंने लिखा है। हमने आपको बताया था, ध्यान दीजिए, कि सपोज करिए ये कोई प्लांट है, इसमें एक ये फ्लावर है और ये दूसरा प्लांट है, इसका जो है ये फ्लावर है, इसमें जो है ये स्टामेन है और ये इसका जो है फीमेल पार्ट है, चलिए फीमेल सेक्स ऑर्गन है, इसमें जो है ये जो है मेल सेक्स ऑर्गन है और इसमें ये वाला पार्ट सपोज करिए फीमेल सेक्स ऑर्गन है, चलिए कोई बात नहीं। तो हमने आपको बताया था कि जो है सपोज करिए कि यहां पर जो एंथर है, एंथर में से जो पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन कहां, ये पॉलन ग्रेन अदर प्लांट के जो फ्लावर है इसके स्टिग्मा पर पहुंचे। जरा ध्यान दीजिएगा, अदर प्लांट का जो है जो फ्लावर है उसके स्टिग्मा पर पहुंचे, तो इसे कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि, बात समझिए, यही चीज लिखा है, पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर एंड स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर, मतलब पॉलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर और स्टिग्मा है डिफरेंट फ्लावर का, और डिफरेंट प्लांट शुड बी डिफरेंट। जरा ध्यान दीजिए, प्लांट शुड बी डिफरेंट बट सेम स्पेसीज। देखिए, स्पेसीज सेम होना चाहिए। सपोज करिए ये पी प्लांट है तो ये भी पी प्लांट होना चाहिए, बस। तो ये है क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें प्लांट जो है डिफरेंट होना चाहिए, प्लांट डिफरेंट होना चाहिए, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन। इसके पहले वाले वीडियो में मैं ये सारी बातें बता चुका था, लेकिन मैंने इसको रिपीट कर दिया। अब हमको पढ़ना है इसमें एडाप्टेशन इन क्रॉस पॉलिनेशन। देखिए, एक बात बता दें, हमने एडाप्टेशन इन सेल्फ पॉलिनेशन में भी पढ़ाया था। आज एडाप्टेशन इन क्रॉस पॉलिनेशन हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहला एडाप्टेशन जो है डाइक्लाइनी, इसको कहते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। बहुत इजी है यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब ये है कि प्लांट में जो है, जो प्लांट हो, ध्यान दीजिए, प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट हो। अब देखिए, अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रेजेंट होगा तो आप बताइए, श्योर है क्रॉस पॉलिनेशन। कोई प्लांट है
उसका जो फ्लावर है यूनिसेक्सुअल है, इसका मतलब जब भी पॉलिनेशन होगा तो दूसरे प्लांट से होगा, तो ये हो गया आपका यूनिसेक्सुअलिटी, या इसको कहते हैं डाइक्लाइनिंग, डाइक्लाइनिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात समझिए, ये बहुत ही अच्छा। तो इसमें जो है नेवर सेल्फ पॉलिनेशन, बताइए कभी सेल्फ पॉलिनेशन होगा, कतई नहीं होगा, नेवर सेल्फ सेल्फ पॉलिनेशन, नेवर सेल्फ पॉलिनेशन कभी भी नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल जो है, इसका जो एग्जाम्पल है ये हमारा पाम्स है। क्या है? पाम्स, पाम्स, डेट पाम्स, डेट, डेट पाम्स, डेट पाम्स। देखिए बार बार मैं कह रहा हूं कि एग्जाम्पल आपको जानना पड़ेगा। पपाया, क्या है? पपाया। तो जो ये पपाया है, कुकुम्बर, इसके बाद कुकुम्बर, तो ये सब जो है इसके क्या है? एग्जाम्पल है। ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल है। तो जैसे देखिए इसमें क्या है, यूनिसेक्सुअलिटी, इसका मतलब जो प्लांट होगा वो यूनिसेक्सुअल होगा, वो यूनिसेक्सुअल होगा। तो जब यूनिसेक्सुअल होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन जो है, क्रॉस पॉलिनेशन श्योर है, बट नेवर सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन कभी भी नहीं होगा। तो याद कर लीजिए, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका एग्जाम्पल है पाम्स, डेट पाम्स, पपाया, कुकुम्बर, ये जो है इसके एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल देखना है तो मोरस, क्या है? मोरस। तो बात समझिए, एग्जाम्पल आप लोगों को थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, मोरस क्या है? मोरस। तो ये जो है आपका यूनिसेक्सुअलिटी हो गया, ये क्या हो गया? यूनिसेक्सुअलिटी। अब इसके बाद हमको दूसरा एडाप्टेशन पढ़ना है, जिसको डीकोगैमी कहते हैं, जिसको डीको, देखिए ध्यान दीजिए, इसको डीको, डीकोगैमी कहते हैं, डीकोगैमी। देखिए ध्यान दीजिए, ये डीकोगैमी क्या है? देखिए सेक्स, जो सेक्स आर्गन है, जो भी सेक्स आर्गन कौन है? मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन। तो सेक्स आर्गन जो हो, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सेक्स आर्गन डिफरेंट टाइप पर, डिफरेंट 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 टाइम पर, डिफरेंट टाइम पर क्या हो? मैच्योर्ड, डिफरेंट टाइप पर, टाइम पर मैच्योर्ड हो। देखिए बात समझिए, इसका मतलब डीकोगैमी जो है, ऐसे प्लांट जिनके जो सेक्स आर्गन्स हैं, जो मेल सेक्स आर्गन है, फीमेल सेक्स आर्गन है, वो जो है डिफरेंट टाइम पर मैच्योर्ड हो, डिफरेंट टाइम पर, इसका मतलब सेम टाइम पर, सेम टाइम पर, सेम टाइम पर नो मैच्योर्ड, मतलब मैच्योर्ड नहीं हो, क्या हो? मैच्योर्ड, मैच्योर्ड नील, मेरे कहने का मतलब सेम टाइम पर, मतलब देखिए आप समझिए जरा ध्यान से, मान लीजिए मेल सेक्स आर्गन मैच्योर हो रहा है तो फीमेल सेक्स आर्गन मैच्योर नहीं, तो इसका मतलब क्या हुआ? श्योर है क्रॉस पॉलिनेशन, श्योर है क्रॉस पॉलिनेशन। बात समझिए, किसी प्लांट में मेल सेक्स आर्गन, मान लीजिए मेल सेक्स आर्गन और फीमेल सेक्स आर्गन दोनों है, बाइसेक्सुअल प्लांट है, तो अगर दोनों डिफरेंट टाइम पर क्या हो रहे हैं? मैच्योर्ड हो रहे हैं। तो एक बात याद कर लीजिए, कभी भी नो सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस, इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन कभी नहीं होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, क्योंकि सेम टाइम पर ये मैच्योर्ड नहीं हो रहे हैं। तो हम बार बार आपसे कहेंगे, अब देखिए इसमें दो कंडीशन हो जाएगा, सपोज करिए जो है मेल सेक्स आर्गन जो है, मेल सेक्स आर्गन जो है, ध्यान दीजिए, मान लीजिए मेल सेक्स आर्गन पहले मैच्योर्ड हो जा रहा है, ये मेल सेक्स आर्गन जो है फर्स्ट जो है मैच्योर्ड हो रहा हो, चलिए कोई बात नहीं,
हो सकता है कि मेल सेक्स ऑर्गन जो है फर्स्ट मतलब पहले मैच्योर्ड हो जा रहा हो, तो इसे जो है प्रोटेंड्री कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? प्रोटेंड्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटेंड्री, इसको कहते हैं प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री कंडीशन कहते हैं इसको, प्रोटेंड्री कंडीशन कहते हैं। वे आप जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री। इसका मतलब क्या होगा? जो मेल सेक्स ऑर्गन है पहले मैच्योर्ड हो जा रहा है, तो जब मेल सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर्ड हो गया तो उस कंडीशन को हम लोग प्रोटेंड्री कहते हैं। और इसका एग्जाम्पल साल्विया है। इसका एग्जाम्पल क्या है? साल्विया। इसका एग्जाम्पल जो है साल्विया है। कॉटन है, इसका एग्जाम्पल साल्विया और कॉटन है। सनफ्लावर, सनफ्लावर, जरा ध्यान दीजिए, सनफ्लावर। तो ये जो है प्रोटेंड्री, क्या हो गया? प्रोटेंड्री। बहुत इजी है, बहुत इजी। बट एक बात याद कर लीजिए, अगर जो है मेल सेक्स ऑर्गन सब मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैच्योर हो जाए, पहले मैच्योर हो जाए, तो उसे कहेंगे प्रोटेंड्री। अच्छा, अब देखिए, सपोज करिए कि जो आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये भी तो हो सकता है फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है फर्स्ट मैच्योर्ड हो जाए, पहले मैच्योर्ड हो जाए। जरा ध्यान दीजिए, फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है पहले मैच्योर्ड हो जाए तो उसे कहते हैं प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये दोनों टर्म प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी, प्रोटोगाइनी कंडीशन, प्रोटोगाइनी कंडीशन, ध्यान दीजिए। मतलब कहने का, ये इसमें फीमेल जो होगा, फीमेल सेक्स ऑर्गन फर्स्ट ऑफ ऑल मैच्योर्ड हो जाएगा, तो इसे प्रोटोगाइनी कहते हैं, प्रोटोगाइनी। इसका जो देखिए एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल जो है ये एरिस्टोलोकिया, इसका एग्जाम्पल जो है एरिस्टोलोकिया, एरिस्ट मैं जगह बना लूं, एक्चुअल में इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो है ये है आपका एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया, वेरी इंपॉर्टेंट एरिस्टोलोकिया, इसका एग्जाम्पल एरिस्टोलोकिया। इसके अलावा पीपल, इसके अलावा जो है आपका एग्जाम्पल है पीपल। इसके बनियान, बनियान, तो ये सब इसके क्या है? एग्जाम्पल है, ये सब इसके एरिस्टोलोकिया, पीपल, बनियान। इसके अलावा आप रोसेसी फैमिली के जो प्लांट्स हैं, रोसेसी जो फैमिली के प्लांट हैं वो भी इसके एग्जाम्पल है। क्रूसीफेरी प्लांट जो होते हैं वो भी इसके एग्जाम्पल है, क्रूसीफेरी। जरा ध्यान दीजिए, ये सब इसके क्या है? एग्जाम्पल। तो दिस इज द वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो डिकोगैमी में बात समझिए, दोनों जो सेक्स ऑर्गन है वो सेम टाइम पर मतलब क्या हो? मैच्योर्ड ना हो, डिफरेंट टाइम पर मैच्योर्ड हो। तो इसके दो कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि जो है सबसे पहले जो है मेल सेक्स ऑर्गन जो है क्या हो जाए, वो मैच्योर्ड हो जाए, तो उसे प्रोटेंड्री कहते हैं, उसे प्रोटेंड्री कंडीशन कहते हैं। अगर फीमेल सेक्स ऑर्गन फर्स्ट मैच्योर्ड हो जाए तो उसे प्रोटोगाइनी कहते हैं, उसे प्रोटोगाइनी कहते हैं, वेरी इजी। तो मेरे एग्जाम्पल आप लोग दोनों का ही याद करना पड़ेगा। तो ये एडाप्टेशन चल रहा है, ये क्या चल रहा है? एडाप्टेशन इन क्रॉस पॉलिनेशन। जो थर्ड है, थर्ड एडाप्टेशन है हर्कोगैमी, थर्ड एडाप्टेशन हर्कोगैमी, हर्कोगैमी। ये ध्यान दीजिए, इसके नाम से जो है वो तनिक भी जो है नाम से मत घबराइए। मतलब देखिए, मेल सेक्स ऑर्गन मतलब इसको कह दिया जाए ऐसे,
बोथ सेक्स आर गन, बोथ सेक्स आर गन, मान लीजिए बोथ सेक्स आर गन सेम टाइम पर मैच्योर्ड हो रहे हो, बात देखिए सेम टाइम पर क्या हो रहे हो मैच्योर्ड, आप बताइए। तब तो आप सोच लिए होंगे कि ये जो है सेल्फ पॉलिनेशन हो ही जाएगा, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कंडीशन देखिए ऐसा है, ठीक है बोथ सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर हो तो ये तो सेल्फ पॉलिनेशन हो जाएगा, जबकि हम एडाप्टेशन इन क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ा रहे हैं। तो इसमें होता क्या है, ध्यान दीजिए, ये जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। सपोज करिए ये हमारा क्या है, ये स्टामिन है, और ये क्या है, ये हमारा फीमेल पार्ट है, चलिए ये हमारा जो है फीमेल पार्ट है, चलिए देखिए ध्यान दीजिए ये फीमेल पार्ट है, चलिए और ये हमारा क्या है स्टामिन है। क्या होता है इसमें जो है इस फ्लावर में दोनों के बीच में, दोनों के दोनों मतलब ये देखिए मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों के बीच में कोई ना कोई बैरियर आ जाता है, कोई ना कोई बैरियर, ये जो है बैरियर आ गया, अब बताइए कोई ना कोई बैरियर आ जाता है जिससे क्या होता है कि जो है इसका पॉलन ग्रेन इधर नहीं पहुंच पाता, तो यहां क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो गया, यहां क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल हो गया। ध्यान दीजिए इसका जो एग्जाम्पल है ये है कैलोट्रॉपिस, कैलोट्रॉपिस देखिए ध्यान देना पड़ता है, कैलोट्रॉपिस और ग्लोरियोसा, ग्लोरियोसा। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस कंडीशन को समझिए, देखिए एग्जाम्पल तो आपको रटना पड़ेगा, एग्जाम्पल तो रटना पड़ेगा, बस ये इसमें आप हर्कोगैमी में ये चीज याद कर सकते हैं कि जो है बोथ सेक्स ऑर्गन सेम टाइम पर मैच्योर्ड हो तो सेल पॉलिनेशन पॉसिबल हो सकता था, बट पॉसिबल इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसके बीच में जो है क्या आ जा रहा है, ये कोई फ्लावर प्लांट पार्ट का, कोई भी फ्लावर पार्ट का बैरियर आ जाता है, एक बैरियर एक स्ट्रक्चर आ गया जो कि मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कर देता है, बाइफर्केट कर देता है, तो इससे इसका पॉलन ग्रेन इस पर नहीं आ पाता, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्या हो जाएगा क्रॉस पॉलिनेशन। तो वेरी इजी एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये बातें चल रही हैं। अब जो है हेट्रोस्टाइली, दूसरा जो है चौथा जो एडाप्टेशन है हेट्रोस्टाइली देखिए ध्यान दीजिए हेट्रोस्टाइली क्या होता है, हेट्रोस्टाइली जो है ऐसा है कि मान लीजिए, जरा ध्यान दीजिए, हेट्रो इसका मतलब ये फ्लावर है, जरा ध्यान दीजिए ये एक फ्लावर है, इसमें ये आपका स्टैमेन है, ये क्या है स्टैमेन है, अच्छा इसके बाद जो है ये आपका फीमेल पार्ट है, ये आपका सपोज करिए फीमेल पार्ट है, जरा ध्यान दीजिए ध्यान दीजिए, और ये जो फीमेल पार्ट है देखिए क्या हुआ, फीमेल पार्ट में ध्यान दीजिए स्टाइल जो है स्टाइल इज मोर देन फिलामेंट हो गया है, ध्यान दीजिए भाई स्टाइल जो है स्टाइल क्या है, स्टाइल बहुत देखिए इसका लेंथ बहुत ज्यादा है, और देखिए ये जो फ्लावर का पार्ट है उससे नीचे आ गया, तो देखिए ध्यान दीजिए यहां का पॉलन ग्रेन यहां नहीं पहुंच पाएगा, समझिए जरा ध्यान से, यहां का पॉलन ग्रेन यहां नहीं पहुंच पाएगा, इसके स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ऐसे कंडीशन को हेट्रोस्टाइली कहते हैं, हेट्रोस्टाइली। एक और कंडीशन हो सकता है, जरा ध्यान दीजिए इसमें दो कंडीशन होते हैं, ऐसा है कि ये मान लीजिए ये फीमेल पार्ट है, ये क्या है आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन है, चलिए ये जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ये आपका क्या है स्टामिन है, ये आपका क्या है स्टामिन है, देखिए तो इसका मतलब इस समय इस कंडीशन में हमारा क्या हो गया फिलामेंट,
तो फिलामेंट जो है फिलामेंट इज मोर देन, फिलामेंट इज मोर देन स्टाइल। देखिए ध्यान दीजिए, फिलामेंट इज, देखिए इसको स्टाइल कहते हैं, हमने कई बार अरे इसको पढ़ा चुका हूं, ते स्टाइल और ये फिलामेंट है। तो फिलामेंट जो है ये इसमें क्या हो गया, इसका लेंथ अधिक हो गया। तो अब देखिए यहां का पालन ग्रेन यहां नहीं पहुंच पाएगा, तो पॉसिबिलिटी किसकी हो गई, क्रॉस पॉलिनेशन की। पॉसिबिलिटी किसकी हो गई, क्रॉस पॉलिनेशन की। तो दिस इज आल्सो हेट्रोस्टाइली, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल जो है प्रिमरोज, एग्जाम्पल जो है प्रिमरोज, प्रिमरोज इसका एग्जाम्पल प्रिमरोज। इसके बाद प्रीम्यूला, देखिए ये एग्जाम्पल आप लोगों को याद करना पड़ेगा। तो जो है इसका एग्जाम्पल प्रीमिरोज और प्रीमूला। तो ये जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है सब, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जो है फिफ्थ एडाप्टेशन है, ध्यान दीजिए, जो फिफ्थ एडाप्टेशन है वो है सेल्फ स्टर्लिटी, सेल्फ स्टर्लिटी। ध्यान दीजिए फिफ्थ एग्जाम्पल है सेल्फ स्टर्लिटी, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान समझिए जरा ध्यान से। ये हमारा जो है फीमेल सेक्स ऑर्गन है, ये हमारा फीमेल सेक्स ऑर्गन है, और ये जो है सपोज करिए ये क्या है आपका स्टामेन है। एक और जो है आपको फीमेल सेक्स ऑर्गन मैं बना रहा हूं, जरा ध्यान दीजिए, वेरी इजी, और ये आपका क्या है, ये जो है ये स्टामेन है। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि ये इसमें जो ये पालन ग्रेन है, सपोज करिए S1 है, पालन ग्रेन S1 है, और इसमें पालन ग्रेन सपोज करिए S2 है, पालन ग्रेन S2 है। बात को समझिए, अच्छा इसका पालन ग्रेन S1 जो, देखिए इसी जो है फ्लावर का, इसी फ्लावर का पालन ग्रेन यहां आ गया, देखिए ध्यान दीजिए, तो ये क्या हो गया S1। अच्छा ये दूसरा फ्लावर है भाई, ये जो है बात समझिए, ये जो है दूसरे प्लांट का फ्लावर है, ये दूसरे प्लांट का फ्लावर है, सेम प्लांट का नहीं है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। तो मान लीजिए ये दूसरे प्लांट का फ्लावर है, चलिए कोई बात नहीं, तो ये जो है ये आपका S2 भी यहां पर आ गया, चलिए यहां पर S2 भी आ गया। अब जो है भाई देखिए, इस प्लांट का जो है, इस फ्लावर का जो है, इस प्लांट के फ्लावर का जो है पालन ग्रेन यहां आया है स्टिग्मा तक, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन होना चाहिए, और यहां दूसरे प्लांट का जो पालन ग्रेन S2 है इस पर आया है, तो इसके वजह से तो क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, होगा। देखिए किसी भी कारणवश, देखिए अगर ये S1 जो है जर्मिनेट न कर पाए, S1 जो है जर्मिनेट न करे, यहां पर जर्मिनेशन इसका न हो तो क्या होगा, और जर्मिनेशन इसका हो जाए, जर्मिनेशन S2 का हो जाए, इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब S1 नो जर्मिनेशन, नो जर्मिनेट, तो जर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन S2 क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया, S2 क्या हो गया, जर्मिनेट हो गया, चलिए लिख देते हैं जर्मिनेट हो गया। तो ऐसा कंडीशन जो होगा वो सेल्फ स्टर्लिटी कहलाता है, ऐसा कंडीशन सेल्फ स्टर्लिटी कहलाता है, ध्यान दीजिए सेल्फ स्टर्लिटी कहलाता है, मतलब इसका जो पालन ग्रेन है वो स्टेराइल हो गया है, वो स्टे
राइल हो गया है, वो जो है वो जर्मिनेट नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हो गया कि नहीं हो गया। तो जो है बार बार मैं कहूंगा इसका एग्जाम्पल जो है ये है पिटूनिया, इसका एग्जाम्पल जो है ये पिटूनिया, ध्यान दीजिए इसका एग्जाम्पल पिटूनिया। इसके बाद इसका एग्जाम्पल मालवा, क्या है मालवा। अच्छा एप्पल भी इसका एग्जाम्पल होता है, इसका एग्जाम्पल एप्पल भी होता है। देखिए एग्जाम्पल आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा और रटना पड़ेगा। इसके बाद इसका एग्जाम्पल पैसी फ्लोरा भी होता है, पैसी फ्लोरा, पैसी फ्लोरा। तो ये इसके एग्जाम्पल है किसके, सेल्फ स्टरलिटी के, सेल्फ स्टरलिटी के। तो देखिए पिटूनिया, मालवा, एप्पल, पैसी फ्लोरा, टुबैको, टुबैको भी इसका एग्जाम्पल है टुबैको। तो ये सब इसके एग्जाम्पल है, तो कुछ एग्जाम्पल तो याद रखना ही पड़ेगा। तो ये है सेल्फ स्टरलिटी, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये रहा एडाप्टेशन, ये एडाप्टेशन इन क्रॉस पॉलिनेशन।